खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से, जहां थाना सरपताह क्षेत्र के गांव में देर शाम बकरी चराने गए 3 बच्चों को तालाब में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने बच्चों को मारकर पानी में फेंकने का आरोप लगाते हुए शव को लखनऊ बलिया राजमार्ग पर रखकर चक्का जाम किया है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के जहरुद्दीन गांव में 3 बच्चे घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर तालाब पर बकरी चराने गए थे। इसके बाद तालाब में नहाने लगे और डूब गए। जब देर शाम बच्चे घर नहीं आए तो परिजनों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। परिजनों को तालाब के किनारे बच्चों के कपड़े दिखाई दिए। सूचना मिलते ही ग्रामीण पहुंच गए। बच्चों के डूबने की आशंका पर ग्रामीणों ने पानी में तलाशना शुरू कर दिया। तीनों बच्चों को पानी से निकाला गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीण तीनों बच्चों के शव को रखकर देर शाम लखनऊ और बलिया राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और प्रशासन से न्याय करने की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार ने घंटों समझाने के बाद जाम खुलवाया गया। वहीं क्षेत्राधिकारी ने जांच के आदेश दिए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर राकेश यादव की रिपोर्ट।